अज भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के डीसी दवातेगढ़ साहब न सीनियर मीत प्रधान पंजाब जसवीर सिंह सिद्धूपुर और जिला प्रधान गुरमीत सिंह रुड़की की अगुवाई धरना प्रदर्शन करके मांग पत्र दिता गया। जसवीर सिंह सिद्धूपुर ने कहा कि पिछले साल कणक की फसल के घट झाड़ निकलन ने फिर पशुओं में फैली लंपी स्किन बीमारी ने किसानों की आर्थिक तौर पर लक तोड़ के रख दिता है। हुण झोने में बूटिया के मदरे रहने की बीमारी ने रेंदी खुंदी कसर भी कढ दिती है, किसानों आर्थिक तौर पर मरण के कंडे पहुंचा दिता है। मेरा नाम गुरमीत सिंह, पिंड रुड़की, जिला प्रधान फतेहगढ़ साहब। अज जिहड़ा साडा धरना है ये बहुत दुखदाई गल्लां हो गईआं साडे ब्लाकां दे विच, जिला फतेहगढ़ साहब दे विच। पहलां तां सानूं मार पैगी पशुआं दी, उहनां नूं बीमारी पैगी ते किसे ने साडी सार नहीं लई। अज सानूं झोने ते बहुत ज़्यादा बीमारी पैगी जिहदा अज असीं वढण ते ही सीगा, कम पक्की फसल सीगी पर उहने सिट्टा ही नहीं कढ़िया। छिट्टा ना कढ़न कारण असीं उहनूं मजबूरन बाह रहे हाँ। प्रशासन कोई भी अधिकारी सरकार का साडी सार लैण तक अजे तक कोई नहीं पहुँचा। इस करके असीं सरकार तो मंग करदे हाँ, डीसी साहब नूं असीं मंग पत्र भी देना है ते उहदे च इह लिखिआ है भी भाई गिरावरी छेती कराओ, जे गिरावरी हो जाए फिर कुछ ना कुछ मिलिआ मिल भी सकदा है। पर जिहड़े इहनां दे अधिकारी गए ने खेतीबाड़ी अफसर, वो कहिंदे आह दवाई छिड़क लो जी, आह छिड़क लो, वो दवाइयां किसान पहलां छिड़क चुक्किआ है। इन्हां कोल कोई प्रबंध नहीं, सरकार साडी बांह फड़े तां किसान बच सकदा नहीं। अज किसान मरन किनारे है, जिहड़े किसान की फसल पक्कण ते आई होई पर उहने सिट्टा नहीं कढ़िया ते उह अज बाह रिहा तां उहदे परिवार ते यार उह किसान दे मन ते देखो की बीतदी है। इस करके सरकार नूं बेनती है भी इहनां नूं बनदा मुआवजा दित्ता जावे, छेती तों छेती घटावरियां होण तां उहनां दा कुछ ना कुछ लड़ जुड़ सके। गुरजीत सिंह, ब्लाक बसी पठाणा तों। सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का जिहड़ा प्रोग्राम है, जिवें प्रधान जी ने दस्सिया साडियां जिहड़ियां फसलां दा नुकसान होया उहदे वास्ते असीं सरकार नूं बेनती करना है कि जल्दी तों जल्दी जिहड़ी फसल खराब होई है उहदी गिरदावरी कराई जावे। ते दूजे पासे गल इह आ वी सरकार पता नहीं किहड़े हिसाब किताब नाल किस तरह चल रही है, फसलां साडियां खराब होई जांदियां। इन्होंने 10-11 हज़ार बंदा पराली फूकण वाले की निगाह रखने वास्ते दा लाता। असीं बेनती करते हैं कि 4-5 हज़ार बंदा इधर भी लाता जाए ताकि वो जाके देख सकन पिंडां दे विच किसानां दी जिहड़ी पहलां तों ही हालत बड़ी पतली है, होर पतली होई जा रही है। ये तो 1.5 महीना पहला पशुओं का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, बहुत सारिया गावं दुध वाले पशु किसानों के नुकसाने गए हैं, वो घाटा पूरा नहीं हो रहा। तो जे किसान की बांह सरकार ने ना फड़ी तो पहला तो जी पतली हालत है होर थले निगार वाल किसानी जा रही है। सरकार को बेनती है कि जल्दी तो जल्दी ये जी गिरदावरी कराई जाए तो मुआवजे का जो प्रबंध कराया जाए।